चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका नंबर सिस्टम पार्ट टू का। तो ये क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 है तो वो संख्या क्या हुआ। तो ये संख्या आपको पता नहीं तो इस संख्या को हम क्या ले लेंगे, इस संख्या को हम x ले लेंगे। देखिए तो x का 2/3, 3 और 2/3 का 1/4 मतलब क्या होगा, 1/4 इसका हो जाएगा। तो एक संख्या के 2/3 का 1/4 है। देखिए क्या करते हैं, तो फिर यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 टाइम में 1/3 को रहने देते हैं। यहाँ हो जाएगा x गुने 1/6 बराबर 100। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ये कर दीजिए, तो देखिए x बराबर ये 6 ऊपर आ जाएगा, तो क्या जाएगा 100 × 6 बराबर 600, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोला है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्याओं का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहले जान लेते हैं ये सम संख्याओं का जो औसत है, तो सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग, पहले योग जानेंगे, योग आ जाएगा औसत गुने 5, तो 40 × 5 हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। पहले पांचों संख्या जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो इनमें से पूछा जैसे सबसे छोटी संख्या क्या होंगी, तो देखिए जब औसत होगा 40 है, औसत होगा ये पांचवी संख्या है, तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 42, ये हो जाएगा आपका 44। ठीक है, इधर भी 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 38 और ये 36। मैं सोच लिया कि जब 5 लोग बैठते हैं तो बीच में कौन होगा, तो बीच में तीसरा नंबर होता है। ठीक है, सम संख्या की बोला गया इसलिए हम सम संख्या लिए हैं, तो यहाँ पे सबसे छोटी कौन हो जाएगी, 2 इधर हो जाएगी, 2 इधर, तो यहाँ सबसे छोटी हो जाएगी 36 नंबर आपका आंसर। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है तथा योगफल 72 है, दोनों संख्याओं का बताइए। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जब भी अनुपात का क्वेश्चन होता है तो इसको क्या करते हैं, रियल बनाने के लिए इसमें x लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहूँगा, यहाँ पे 3:1 है, तो मैं इस वहाँ पे 3x + x लिख दूंगा। दोनों का योगफल कितना है, 72 है, दोनों का योगफल 72 है, तो 3x + x क्या हो जाएगा आपका 4x बराबर हो जाएगा 72, तो x बराबर क्या हो जाएगा 72/4, तो 72/4 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 18 आंसर। ठीक है, तो 18 आ गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है दोनों का अंतर क्या होगा, x बराबर जब 18 हो गया, चलिए x बराबर 18 हो गया, यहाँ देखते हैं, तो x बराबर 18 हो गया, तो एक संख्या क्या आपका 3x, तो x 3x हो जाएगा आपका क्या 3×18, तो ये संख्या हो जाएगा 54। फिर बात करें दूसरी संख्या x है, तो एक हो जाएगा 18, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो 54 − 18 आपका क्या हो जाएगा, 54 − 18 36 आपका आंसर। दो संख्याओं की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि अंक या स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन से बनाने की आप कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका 83 है, 83, तो इसको जोड़िएगा तो 8 × 3 = 11 हो गया। अगर ऐसा आसान पलटिए तो 83 में से क्या कीजिए आप, आसान पलटिए 38, तो 38 में से घटाइए, 3 में से 8 गया तो आपका आ जाएगा 5, और ये 4 में से 7 में से 3 गया तो 4, तो ये नहीं होगा, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 29 है, ठीक है, नहीं इधर देखिए, पहले 92 है, 92 है, 92 को पलटिएगा तो 29, तो क्या गया, 2 में से 9 गया 3 और 8 में से 2 गया तो 6, तो 63 यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या का 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक संख्या को हम x ले लेंगे, तो एक संख्या को मैंने x ले लिया। ठीक है, एक संख्या का 60% तो 60%, फिर बोल रहा है दूसरी संख्या का 2/3 के बराबर है, बोल रहा है एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर, संख्याओं का अनुपात होता है। दूसरा संख्या हम क्या ले लें, तो दूसरी संख्या हम y ले लें,
दूसरी संख्या का दो तिहाई बोला है, तो दो तिहाई मैंने ले लिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे आप काट दीजिए इसको, 20 से काटेगा तो 3 बार में, और ये 5 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, इधर इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 3/5x बराबर हो जाएगा आपका 2/3y। तो यहाँ पे क्या कीजिए इसको, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर करेगा और इधर करेगा, बाई मतलब तिरछा गुना कीजिए, तो 3 3 9 और ये 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ x और y, यहाँ आ जाएगा 3 3 9 और ये 10, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10:9 आंसर। देखिए यहाँ बोला है दो संख्याओं का योगफल 20 है और गुणनफल 91 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, मतलब उनके उलटने के बाद जो ये जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, क्या आएगा। तो दो संख्या का योगफल आपका 20 है और गुणनफल 91 है, तो इसको देखिए, इसको पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 91 को जैसे ही फैक्टराइज किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 और 13 आएगा, और 13 7 को जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा, तो 13 7 को जोड़ने में क्या आता है, 20 आ जाता है। ठीक है, तो आपका कौन सा संख्या, तो 7 और 13 गुणनफल आपका 91, उनके भी कर्मों का योगफल, तो ये नंबर क्या है आपका 7 और 13 है, तो उनको उल्टा क्या हो जाएगा, 1/7 + 1/13। ठीक है, इसको ये कीजिएगा, बनाइएगा ऐसे, तो 13 7 91 इसका, और 91 यहाँ आ जाएगा, और जोड़िएगा दोनों को तो 20 आ जाएगा, तो 20/91 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यदि एक संख्या के 9/5 का 35% 252 है, तो संख्या बताइए, तो संख्या का एक, तो संख्या में एक्स ले लेते हैं, एक्स का 9/5 और का 35%, तो 35 ये कर दिया मैंने, बराबर 252, 5 इसको काटिएगा तो ये 7 बार में आपका कट जाएगा, ये आपका नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 9 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका कट जाएगा 9 9 2 18 और ये 9 8 72। ठीक है, फिर 7 से ये कट जाएगा 4 बार में, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा आपका x/100 बराबर 4, तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x/4 × 100 हो जाएगा आपका 400। एक से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का वर्गों के योगफल की गणना कीजिए, 1 से 10 तक के वर्ग संख्याओं के वर्गों का गणना करना है, तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमको डायरेक्ट शुरू से इंटू करते हैं, 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6² + 7² फिर 8² 9² फिर आपका 10² ठीक है। ठीक है, तो सबको यहाँ देखते हैं, 1² आपका 1 हो जाएगा, 2² 4, 3² 9, 16 25, 5² 25, 6² 36, 7² 49, 8 हो जाएगा 64, 81 और 100। चलिए अब सबको काउंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबका यूनिट हम सिर्फ देख लेते हैं और उस हिसाब मेरा काम हो जाएगा। देखिए तो 1 4 5 5 9 9 5 14 26 25 6 31 31 9 40 40 4 44 1 45 का 5 बच गया 4। देखिए यहाँ पे 10 4 14 14 8 22 22 4 28 28 4 32 32 3 35 35 35 2 37 37 1 38, तो 385 आपका आंसर हो जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिनमें से 3/10 क्या है लड़का है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर 3/10 लड़का है तो यहाँ पे लड़की कितनी हो जाएगी, 7/10 हो जाएगी, तो यहाँ पे कैसे निकला, देखिए ये निकला आपका
लड़की 1 माइनस 3/10 कर दीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा 10, और 10 माइनस 3 तो आ जाएगा आपका 7/10। तो ये क्या है आपकी लड़की की संख्या है। अब निकाल देंगे हम 200 का 7/10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 साथ 140 आपका ये वाला आंसर।